नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में एक अच्छी खबर, बेटियों को बचाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इन दिनों नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनजागृति लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ग्वालियर के एक नुक्कड़ नाटक समूह परिवर्तन के द्वारा कलाकार गांव-गांव जाकर महिलाओं और पुरुषों के बीच में बेटियों को बचाने का संदेश दे रहे हैं। इस टीम ने महाराजपुर क्षेत्र के कई गांवों में जाकर यहां बेटी बचाओ का संदेश दिया। इस दौरान अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यहां उपस्थित रही। जो महिलाएं केंद्र में आती हैं उन्हें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हैं। कम उम्र में शादी नहीं करना, इसी के ऊपर समझाइश देते रहती है बच्चों को। ये छतरपुर जिले में पिछले 5 दिनों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और 100 गाँवों का लक्ष्य दिया गया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने महाराजपुर नगर पंचायत में किया जा रहा है। इसके बाद नैंगवा, टटम, मनकारी, सिंहपुर, गढ़ी, मलेरा, इन गाँवों में ये लगातार आज आयोजित किया जाएगा। ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो वर्तमान में समाज में परिस्थितियां हैं बालिकाओं की, महिलाओं की, उन पर एक आघात करता हुआ, चोट करता हुआ नाटक है। इससे अगर हम नाटक करते हैं तो गांव में अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है, किसी बहन बेटी को सताया जा रहा है, वो दुखी है, परेशान है, तो एक तो अगर हम पुरुष देख रहा है उस घर का तो पुरुष की मानसिकता में बदलाव आएगा, और अगर महिला देख रही है तो उसको ये मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हम लोग गांव-गांव में जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये संदेश नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं जन जन तक, जिससे जितनी भी महिला विषयों पर, स्त्री विषयों पर जो भी बातें हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है, उसके साथ साथ इसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह, इन सारे विषयों को एक नाटक में हमने समाहित किया है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।